तो हेलो, क्या हाल चाल है? होप सब कॉल कर बढ़िया। रहा तो था मैं ना इस कॉल यूट्यूब करते करते मेरे सामने कुछ मेरे इस से टाइप की वीडियो आया आई है, तो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। तो मैंने सोचा कि इस टाइप की वीडियो आप अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, और आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, और इसके लिए ना एक सॉफ्टवेयर आता है या पीसी पे आप कर सकते हो बहुत इजीली। लेकिन आपके पास एक फ़ोन है और उस फ़ोन से आप करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। वेल, इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, फिर भी आप एक फ़ोन से इसे कर सकते हो। कैसे करता है वो मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टिल एंड तक देखना, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो चलो देखते हैं। इसके लिए आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप क्रोम से डाउनलोड करो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फीचर वगैरह ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्रिएट करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको मूवी, जो भी आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना होगा। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लेना है, आप किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे 1080p YouTube को सिलेक्ट कर दूंगा। दैन नीचे यहाँ पे क्रिएट मूवी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट फ्रेम, आप पर सेकेंड वीडियो होता है, जैसे एक एक सेकेंड की, एक एक सीन की, तो ये एक सीन हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे हेलो टाइप कर देता हूँ। ओके, देन आपको यहाँ पे इंश्योर करना है, तो ये टेक्स्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइमिंग है, जो कि डिले की, ड्यूरेशन की, एंड प्ले एंड पॉज की। लाइक आप जब भी ये हैंड राइटिंग होगा तो थोड़ा देर यहाँ पे कितना टाइम आप रखना चाहते हो, ये यहाँ पे पॉज होगा, या जब भी ये लिखा कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्लाइड हो जाएगा। कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे आपको कलर, इस फॉन्ट की कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट की फॉन्ट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारा फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं ड्यूरेशन यहाँ पे 4 सेकेंड कर देता हूँ, और यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए पॉज होगा। ओके, देन यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे आपको एक प्ले के बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ से प्ले करना है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये जो देख रहे हो ना, ये स्लाइड होके जब आप देखोगे ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये राइट स्वाइप होके जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। तो इसको भी आप एडिट कर सकते हो, ये राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलेंगे। तो एनिमेशन करने के लिए ना ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा सिंपली। तो यहाँ पे ये एनिमेशन आप देख सकते हो, सिलेक्ट एनिमेशन, आउट एनिमेशन, एंड काफ़ी सारा एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है। देन यहाँ पे आपको एक स्टिकर की भी ऑप्शन मिलता है, तो आप इस फ्रेम पे स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टिकर पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप फ्री में यूज़ कर रहा हो तो थोड़ा ऐड आएगा, आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये स्टिकर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसका भी आप डिले, ड्यूरेशन, या प्ले पॉज करना चाहते हो कर सकते हो। इसको मैं 4 सेकंड के लिए पॉज कर देता हूँ, ये डिले मैं इसको 2 कर देता हूँ, ड्यूरेशन 6 कर देता हूँ, ठीक है, देन टिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप प्ले करके देखोगे तो पहले हेलो जो मैंने यहाँ पे टाइप किया वो आएगा, उसके बाद ये 2 सेकंड की, 1 सेकंड के लिए मैं पॉज करके किया था, और उसके बाद कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज कलर देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हो वो आप ऐसे कुछ यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। और ये कुछ ऐसा आएगा। देन यहाँ पे एक हैंड राइटिंग के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट हैंड की आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। आप जो भी यूज़ करना चाहते हो वो
कर सकते हो। ये जो मोयूर की पंख होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसी फ्रेम पे आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। आप अगर सेकंड और एक ऐसा सीन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक क्लास के आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ये सेकंड आपकी सीन है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इस फ्रेम पे कुछ भी नहीं है। इस फ्रेम पे आपको कुछ और आप अगर ऐड वगैरह करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो बहुत ही ईजीली। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रेम मैंने सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नंबर फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दो नंबर फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे भैया क्या वही है, तो ये मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी फ़ॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट देन यहाँ पे आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ये पहला फ्रेम पे जो है वो हो रहा है, सेकंड क्लिप ये प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों क्लिप एक साथ प्ले होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी मैंने स्टिकर वगैरह दिया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना प्रोजेक्ट को, एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना प्रोजेक्ट, यहाँ से सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको शेयर पे जाना है, मूवी के नाम लिखना है, मेक ए मूवी पे क्लिक कर देना, तो ये आपकी जो है फ़ोन की मेमोरी पे सेव हो जाएगा। आप पहले तो यहाँ पे क्लिक करोगे वो सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट, बट यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे एक्सपोर्ट होने में, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उस टाइम से यहाँ पे, तो उस टाइम में सही यहाँ पे टाइम लगता है और ये कंप्लीट सेव हो जाएगा। तो इसको आप अभी यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी, तो ये देख सकते हो ये मेरा स्टोरेज पे सेव हो चुका है। ओके गाइज, तो यही था।